गांधी ने कर्नाटक विधानसभा चुनावों को लेकर अलग अलग रैलियां की। इन रैलियों में दोनों ने ही एक दूसरे पर जमकर वार पलटवार किया। पीएम मोदी ने कहा कि कर्नाटक के लोग मई की गर्मी सह लेंगे लेकिन कांग्रेस सरकार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं राहुल गांधी ने कहा कि पीएम मोदी के पास मुद्दे नहीं है इसीलिए वो उन पर निजी हमले करते हैं, लेकिन राहुल ने यह भी कहा कि वो पीएम मोदी का सम्मान करते हैं और उन पर निजी हमले नहीं करेंगे। पीएम मोदी ने जहां पर कलबुर्गी और बेंगलुरु में रैली की वहीं पर राहुल गांधी ने कर्नाटक के बीदर में चुनाव जनसभाओं को संबोधित किया। ये सभा का रूप देख करके लग रहा है कि आपको इस मई महीने की गर्मी तो सहन करनी है लेकिन आप कांग्रेस की सरकार को सहन नहीं करनी है। ये आपका मिजाज, ये आपका मिजाज दिखाई दे रहा है। कभी मेरे बारे में बोलेंगे, कभी सिद्धरमैया जी के बारे में बोलेंगे, कभी किसी और के बारे में बोलेंगे, मगर हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री हैं तो जितने भी बदतमीजी थे वो मेरे बारे में बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं प्रधानमंत्री पद का आदर करूंगा। सिद्धरमैया जी जो आपसे कहते हैं, खड़गे जी जो आपसे कहते हैं, मैं जो आपसे कहता हूं, हम दिल से कहते हैं। अगर आपने हमारे भाषण से सुन लिया, मैं आपको बता रहा हूं, अगर आपने हमारे भाषण में सुन लिया तो आप समझ लीजिए कि वो सच्चाई है होगा। लुटी डंटे नडे पिछले चुनाव में कह रहे थे कि आप हमें वोट दीजिए, सरकार बनाइए, हम खड़गे जी को मुख्यमंत्री बनाएंगे। ये था कहां था कि नहीं कहां था? ये दलितों को गुमराह किया था कि नहीं किया था? खड़गे जी के नाम पर वोट मांगा और गुप्त मतदान के रूप में वोट की बात करके खड़गे जी को कर दिया नहीं कर दिया? येदुरप्पा जी को चीफ मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट बनाया है, येदुरप्पा जी जेल गए, आप उसके बारे में अपने स्टेज से क्यों नहीं कहते कि आपने एक भ्रष्ट व्यक्ति को कर्नाटक का चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट बना रखा है? कर्नाटक की जनता कर्ज में डूब रही है तो कांग्रेस के मंत्रियों के खजाने कैसे भरे जा रहे हैं?